हमारी साइंस कहती है कि जितना सेंटर ऑफ मास फ्लोर से ऊपर होता है बॉडी उतनी अनस्टेबल हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि बॉटल फ्लिप कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन कितनी ताकतवर है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके बैलेंस करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा ये अनबैलेंस हो रहा है। अब मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये गिर जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जमीन से बहुत ऊपर है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसके मुकाबले ये मैंने हल्की सी फोर्स लगाई और ये गिर गया। इसमें मैं अगर लगाऊंगा तो ये कम गिरेगा। पर अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आप गिर ही नहीं सकते। एक बॉटल लो जिसमें पानी टॉप तक भरा हो। सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ कहीं। इसमें नीचे पानी रखते हैं हम लोग। क्यों रखते हैं? ताकि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाए। भारी नीचे है ना, और जितना सेंटर ऑफ मास क्या होगा नीचे उतनी चीजें स्टेबल रहेगी। एक खिलौना आता है बच्चे का, हिट मी, ऐसे मारो वापस ऊपर, मारो वापस ऊपर, उसके नीचे मिट्टी भरी होती है। नीचे मिट्टी भरी होगी।